दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में दोस्तों हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फ़ैन बनाने जा रहे हैं जो कि बहुत ही यूज़फुल है घर के लिए और बहुत ही कम खर्च में ये तैयार हो जाता है। तो दोस्तों इसे आप एसी और डीसी दोनों से चला सकते हैं। एसी से चलाने के लिए आपको एक एडाप्टर की ज़रूरत पड़ेगी और डीसी से चलाने के लिए आप नॉर्मली कोई भी बैटरी जो 12 वोल्ट की हो उससे आप चला सकते हो। तो दोस्तों इस फ़ैन को बनाने के लिए जो जो सामान की हमें रिक्वायरमेंट है वो इस प्रकार रहेगा। ये आप देख रहे हैं दोस्तों एक बेलन है जिससे रोटी बनाई जाती है, तो इसकी हमें नीड है, ये ख़राब आप ले सकते हो। और उसके बाद हमें तीन स्क्रू चाहिएंगे। यहाँ पर आप देख रहे हो दो स्क्रू छोटे चाहिए, एक स्क्रू हमें बड़ा चाहिए, ठीक है। एक 12 वोल्ट का हमें मोटर चाहिएगा, ये देख सकते हो आप। उसके बाद इसका इम्पेलर चाहिएगा मोटर का, जिसको पंखड़ी बोलते हो आप। और एक हमें यहाँ पे स्टैंड के लिए ये एक लकड़ी का एक लट्ठा टाइप का चाहिएगा, ठीक है दोस्तों। और एक बैटरी हमें चाहिएगी, तो यही हमें बेसिक सामान चाहिएगा। और दोस्तों अगर इस फ़ैन को हम एसी से चलाते हैं तो एक एडाप्टर की ज़रूरत पड़ेगी हमें, जो ये रहा, ये 12 वोल्ट का एडाप्टर है। तो इसको अभी साइड में रख देते हैं और इस फ़ैन को चलिए असेंबल करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये स्क्रू जो है इस बेलन में मैंने होल किया हुआ है, पहले ही आप देख सकते हैं, ये ड्रिल से आप कर सकते हो। तो ये स्क्रू हमें इसके अंदर डालना है कुछ इस तरह से। तो फ्रेंड देखिए ये स्क्रू मैं लगा चुका हूँ, ये कुछ इस तरह से बाहर निकल जाएगा। तो जब ये बाहर निकल जाएगा उसके बाद हमें ये स्टैंड, इसमें भी मैंने होल किया हुआ है आप देख सकते हैं, और इसको हमें इसके ऊपर माउंट करना है कुछ इस तरह से। ये देखिए दोस्तों ये माउंट हो चुका है। तो इस तरह से आपका एक स्टैंड बन जाएगा बहुत ही बढ़िया, और ये बहुत ही एकदम हार्ड स्टैंड है, ये टूटेगा नहीं बिल्कुल भी। तो अभी मैं इसको खोल देता हूँ क्योंकि इसकी ऊपर की माउंटिंग करते हैं, उसके बाद ही इसको लगाएंगे हम। तो दोस्तों अब ये मोटर हम इस पर असेंबल कर देते हैं। उससे पहले कि रबड़ बैंड मैं इसके अंदर डाल देता हूँ, इसकी ज़रूरत पड़ेगी इस वायर को एक ही जगह रखने के लिए। तो चलिए इसको अंदर डाल देते हैं। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर भी मैंने होल किया हुआ है ताकि जब हम पत्ती को उसमें कनेक्ट करें तो आसानी से ही स्क्रू से टाइट हो जाए। दोस्तों ये स्टैंड कुछ इस तरह से आपको कटिंग कराना है, इसके ऊपर ये आसानी से आ जाएगा मोटर ऐसे। अब मैं इस मोटर को असेंबल कर रहा हूँ इस पत्ती की मदद से कुछ ऐसे। तो यहाँ पर जो स्क्रू थे ये वाले, इनसे आपको असेंबल करना है। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं इस तरह से आपका मोटर माउंट हो जाएगा। ये हो गया मोटर और ये बहुत ही बढ़िया तरीके से माउंट हो गया। तो ये रबड़ जो बैंड है इसके अंदर से आप वायर को ले सकते हो कुछ इस तरह से। ये वायर के कनेक्शन मैंने पहले ही कर दिए हैं, कनेक्शन आप कर सकते हो। यहाँ से मैंने वायर ले लिया, अब ये वायर अपनी जगह स्थिर रहेगा, हिलेगा नहीं। उसके बाद आपको ये ऊपर पहुँचाना है रबर को ताकि ये सही से बैठ जाए। देख सकते हैं आप ये बिल्कुल बढ़िया तरीके से हो गया। तो अब चलिए इसमें ये इसकी पंखड़ी को लगाते हैं। तो इसको हम ऐसे असेंबल कर देते हैं। ये देखिए दोस्तों ये यहाँ से पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। अब चलिए नीचे के स्टैंड में इसको फिट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने स्क्रू लगाया था और यहाँ पर भी मैंने होल किया हुआ है, इन दोनों को आपस में अटैच कर दीजिए। तो दोस्तों इस फैन में हम अब एडाप्टर को कनेक्ट करेंगे। ये देखिए ये 12 वोल्ट का एडाप्टर है मेरे पास, और इसको हम इस बोर्ड की मदद से यहाँ पर इस फैन को चलाएंगे, ठीक है। लेकिन इस एडाप्टर को कनेक्ट करने से पहले ये ऑन ऑफ का स्विच हमें लगाना पड़ेगा ताकि आप इसे हम बटन से बंद कर सके और ऑन कर सके। तो चलिए फ्रेंड देख, तो दोस्तों एक तार तो हमने डायरेक्ट जोड़ दिया, अब ये जो दो तार है इन दोनों तार को इन दोनों होल में हमें लगाना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए लगाते हैं इसे, मैं यहाँ पर लगा देता हूँ पहले होल में, और इसे हम कनेक्शन कर देते हैं। ये मैंने पहला वायर को कनेक्शन कर दिया, अब बचा हमारा दूसरा वायर, इसको भी हम इसी तरह से कनेक्शन कर देंगे। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं यहाँ पर स्विच से मैंने कनेक्ट कर दिया है, एक तार तो हमने डायरेक्ट ही जोड़ दिया और एक तार को हमने एक हिस्सा इसमें और दूसरा हिस्सा इसमें जोड़ दिया। यहाँ पर आप टेप लगा सकते हो ताकि कोई खतरा ना रहे आपस में टच होने का।
तो दूसरे तार पर मैं टेप लगा रहा हूँ। ये देख सकते हैं दोस्तों, अब ये सेफ हो गया। तो आइए अब इसका प्रैक्टिकल करते हैं। तो फ्रेंड ये रहा इसका वायर, आप देख सकते हैं ये फ़ैन का वायर है पूरा, और यहाँ पर ये स्विच मैंने लगा दिया, और ये है इसका एडेप्टर, आप पूरा देख सकते हैं ये इसका एडेप्टर है, ठीक है। तो इसे मैं इस बोर्ड में लगाने जा रहा हूँ। ये मैंने इसको इंसर्ट कर दिया। अब यहाँ पर जब हम इसे बटन को ऑन करेंगे तभी ये फ़ैन हमारा चलेगा, देख सकते हैं आप। और दोस्तों आप इसे किसी बैटरी से भी चला सकते हैं, ये बाइक की बैटरी है आप देख सकते हैं, तो इससे भी आप इसे आसानी से चला सकते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से चलेगा इससे भी। तो अभी ये बैटरी डाउन है इसलिए मैंने इसे कनेक्शन नहीं किए, अभी मैंने एसी से चलाया हुआ है। तो फ्रेंड चलिए अब इसका टेस्ट कर लेते हैं हवा से। ये मेरे पास पेपर है तो मैं हवा के सामने ले जाऊँगा इसको, अब देख सकते हैं आप। तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहा है। तो दोस्तों इस तरह से एक फ़ैन को आप नॉर्मली आसानी से घर पे बना सकते हो, और फ्रेंड ये एक बहुत ही बढ़िया प्रोजेक्ट है, इसको आप आसानी से यूज कर सकते हो और यूज़फुल प्रोजेक्ट है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेकिन अगर फिर भी आपका कोई सवाल या सुझाव रह जाता है तो उसे आप पूछ सकते हो, उसका मैं ज़रूर जवाब दूंगा। और फ्रेंड इस बैटरी से इसका एक घंटे का पूरा बैकअप है, एक घंटे तक ये पूरा चलेगा, फिर ये डाउन हो जाएगी बैटरी, फिर आपको चार्ज करनी पड़ेगी। लेकिन एडेप्टर से आप इसे चाहे पूरा दिन चलाए चाहे 12 घंटे चलाए तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से आप इस फ़ैन को बना सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया, और इसमें दिखाए गए प्रोजेक्ट को आप आसानी से बना सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं बहुत जल्द अगले प्रोजेक्ट में कुछ और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीमती समय देने के लिए आपका धन्यवाद, नमस्कार।